हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है डिस्टिलेशन। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी सीरीज स्टार्ट हुई है स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में, तो आज उसमें एक नया टॉपिक है, वो है डिस्टिलेशन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं एक एक करके सारे इक्विपमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेटेड क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन की डिस्टिलेशन क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले सारे वीडियो ये अपलोड कर चुका हूँ डिस्टिलेशन से रिलेटेड। इसमें हम जो बेसिक चीजें होंगी वो थोड़ा जल्दी जल्दी में कवर करेंगे। मैं तो उसको इंट्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप्स होते हैं और वर्किंग सबकी क्या है, उसको थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे, क्योंकि मेन जो अपना आज का टॉपिक है वो इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ज्यादा है तो उसको कवर करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मेन फोकस इस पर करेंगे। और मैं जितने भी डिस्टिलेशन के वीडियो हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों पर दे दूंगा, आप वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर इस पर ज्यादा सही से आपको सारी चीजें पता चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, इंट्रोडक्शन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कि डिस्टिलेशन है क्या। तो आप जानिए, डिस्टिलेशन वह अपना ऑपरेशन होता है जिसमें किसी भी लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे होता है। मगर अगर आपसे कोई पूछता है इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स अगर आपसे कोई पूछता है, आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे, या आप बोल सकते हैं रिलेटिव वोलेटिलिटी, ये दोनों आप बोल सकते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट भी आप उनको बोलते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो आप बोल सकते हैं डिस्टिलेशन वह यूनिट ऑपरेशन है जिसमें लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे किया जाता है। ये तो इंट्रोडक्शन की बात होगी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, कितने टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका, फिर भी मैं आपको थोड़ा जल्दी में बताऊंगा टाइप ऑफ डिस्टिलेशन। टाइप ऑफ डिस्टिलेशन तो मेनी टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं, जैसा आप जानते हैं बैच डिस्टिलेशन नंबर दो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नंबर थर्ड पे बात करें तो स्टीम डिस्टिलेशन, नंबर फोर्थ की बात करें तो वैक्यूम डिस्टिलेशन, नंबर फाइव की बात कर लें तो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, और बात कर लें तो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। ये मैंने छह का नाम इसलिए लिखा है कि ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। मेनी टाइप्स के डिस्टिलेशन होते हैं, इससे भी अलग होता है आयन एक्सचेंज डिस्टिलेशन, और भी टाइप के होते हैं, बट ये जो डिस्टिलेशन है वो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए इनके नाम लिखे हैं। तो मैं इनकी वर्किंग तो ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो इस पे अपलोड कर चुका हूँ, टाइम नहीं खराब करेंगे। सिर्फ इसके मेन मेन फंक्शन जान लेते हैं कि क्या ये करते हैं और कहाँ यूज किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट की अगर बात करें बैच डिस्टिलेशन से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, तो बैच डिस्टिलेशन हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर जो हमारे लिक्विड कंपोनेंट्स है, लिक्विड मिक्सचर है, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में काफी गैप हो जाए। मान लीजिए कोई कंपोनेंट ए एंड बी मिक्सचर में थे, एक का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे में एप्रोक्सीमेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए, मीन जिसमें 45 या 50 के बीच अगर डिग्री सेंटीग्रेड इन दोनों के बीच में है, तो वहां पर हम बैच डिस्टिलेशन नॉर्मली यूज कर सकते हैं। ठीक, इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि बैच डिस्टिलेशन में हमें प्योरिटी अच्छी नहीं मिलती, इसलिए बहुत टाइप में इसे बैच डिस्टिलेशन को अवॉइड किया जाता है। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर लिक्विड मिक्सचर जो होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट लगभग क्लोज होते हैं, बट ध्यान रखें एजियोट्रॉप फॉर्मेशन नहीं होते हैं, वहां पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगभग एप्रोक्सीमेट सेम होते हैं, बट इतना सेम नहीं होंगे। मान लो अगर इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड एक का बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसे एप्रोक्सीमेट 40, 40, 45 हो, तब भी हम यूज कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें मेनी नंबर ऑफ प्लेट्स लगे होते हैं जो मैं आपको आगे बताया भी हूँ और बताऊंगा भी इसमें क्या क्या होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर, अपने स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टीम डिस्टिलेशन अपना क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हमारा जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, वो हीट सेंसिटिव मटेरियल हो, मींस हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए।
हीट सेंसिटिव मटेरियल कहने का क्या मतलब है, ऐसे मटेरियल जिनको अगर हाई टेम्परेचर पर हम हैंडल करेंगे तो अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसे लूज करने लगती है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी खराब होने लगती है। तो उस टाइप के मटेरियल को जब हैंडल करना होता है वहाँ हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन की। 4 नंबर, वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमारा जो लिक्विड मिक्सचर होता है उसके जो कंपोनेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रेंज में है, मींस जहां पर हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वहां पर हम अपना वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ध्यान रखें वैक्यूम डिस्टिलेशन में जो वैक्यूम हम यूज करते वैक्यूम क्रिएट करते हैं वो इजेक्टर के थ्रू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे इंटरव्यू या स्किल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। वैक्यूम तो 2 टाइप से क्रिएट करते हैं, वैक्यूम पंप और दूसरा इजेक्टर, लेकिन इंडस्ट्री में इजेक्टर के थ्रू हम करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं 5th नंबर, एजियोट्रॉप के बारे में, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। तो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज वहां पर हम करते हैं जहां पर लिक्विड मिक्सचर जो होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट लगभग लगभग सेम होते हैं। जैसे मान लो एक 150 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, दूसरे का 149, 150 एप्रोक्सीमेट हो, वहां पर जो हमारा लिक्विड मिक्सचर होता है उसको नॉर्मली डिस्टिलेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उस टाइम हमें क्या करना होता है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है एक इंट्रेनर को ऐड किया जाता है जो इनमें से दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को सेपरेट कर देता है, लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप क्रिएट करके। आगे मैं उसको बताऊंगा अभी कैसे। तो जहां पर एजियोट्रॉप फॉर्मेशन होते हैं वहां पर हम एजियोट्रॉपिक यूज करते हैं। अब बात आती है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। एक्सट्रैक्टिव एंड एजियोट्रॉपिक में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसको क्लियर करने के लिए अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट में, वहां आपको हम कवर करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन की लिस्ट, जैसे आप जानते हैं मैं ढेर सारे क्वेश्चन की लिस्ट आपके लिए तैयार करता हूँ, तो इसमें क्वेश्चन की लिस्ट में क्या पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई वी यू डिस्टिलेशन कॉलम, आपसे पूछा जा रहा है हम डिस्टिलेशन कॉलम क्यों यूज करते हैं वो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर आपको ले जाता है प्लांट में या इंटरव्यू पैनल में ये पूछा जाता है कि डिस्टिलेशन कॉलम यूज क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन इस पे आता है। तो जहां पर हमारे लिक्विड मिक्सचर होता है, लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए और बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे जहां सेपरेट करना होता है वहां पर हम डिस्टिलेशन कॉलम को यूज करते हैं। या बेसिकली उनका आंसर दे सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई लिक्विड मिक्सचर है उसको अगर हमें सेपरेट करना है और उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे तो वहां पर हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्टिलेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है या नहीं, हाँ ये आपसे कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि हमने डिस्टिलेशन कॉलम यूज किया, क्यों यूज कर रहे हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है या नहीं। तो आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं यस, हमारे पास ऑप्शन है सर डिस्टिलेशन के अलावा भी, उसको क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू हम सेपरेशन कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे मास ट्रांसफर में ऑप्शन है बट एक्सट्रैक्शन एक सुटेबल ऑप्शन है। तो उनसे ये वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि तो फिर हम एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं करते हैं। तो इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि जहां पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट रेंज बहुत हाई होता है, ये हाई बॉइलिंग पॉइंट रेंज होता है वहां पर हम इसको यूज करते हैं। सबसे मेन इसका जो एडवांटेज है हीट सेंसिटिव, जहां पर हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है वहां पर हम एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन या एक्सट्रैक्टर जो हमारा है उसको हम यूज करते हैं। ठीक, जो हमारा लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन या हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है उसको एक चीज आप जरूर बोलिएगा कि सर हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए वो यूज किया जाता है, ये सबसे सफिशियंट आंसर उनके लिए होगा। ठीक, तो आप क्या जानेंगे कि हमारे पास जो डिस्टिलेशन है उसके अलावा हमारे पास एक्सट्रैक्शन भी है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, बट इसकी क्या क्राइटेरिया है कि ये हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, बल्कि हमारे पास डिस्टिलेशन में मेनी टाइप्स के हैं उससे हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह कॉलम डिस्टिलेशन कॉलम है या नहीं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। इंटरव्यूअर आपको प्लांट में ले जाता है, किसी एक कॉलम के पास खड़ा कर देता है और पूछना ये चाहता है कि आप ये बताओ कि ये कौन सा कॉलम है, ये डिस्टिलेशन कॉलम है या नहीं। तो आप कैसे उन्हें बताओगे, तो सिंपल सा चीज, डिस्टिलेशन कॉलम में अगर आप इंडस्ट्री विजिट नहीं किए हैं तो ध्यान से समझिए, एक डिस्टिलेशन कॉलम एक आपके कॉलम है, इसमें नंबर प्लेट से लगी होती है, ठीक, या पैकिंग्स यूज होती हैं। टॉप पे इसके कंडेंसर यूज किया गया होगा, कंडेंसर कंडेंसर
और इसके बॉटम में क्या होगा, एक रिबॉयलर यूज किया गया होगा, रिबॉयलर। ये दो चीजें अगर आपने देख लिया, और क्या करते हैं, अगर आपने इंडस्ट्री विजिट किया तो रिफ्लेक्स भी इसमें डाला जाता है, उससे भी आप पता कर सकते हैं। ठीक, तो दो चीज आपको बतानी है सर। टॉप में हमेशा कंडेंसर यूज किया जाता है और बॉटम में रिबॉयलर अगर यूज हुआ है तो ये कॉलम अपना है डिस्ट्रेशन कॉलम है, या बोल सकते हैं श्योरिटी के साथ। ठीक, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर क्या लगा होता है। हाँ ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या यूज होता है डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, ऐसा क्या यूज होता है जिससे हमारा कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, ये अपना टावर है, यहाँ पर कंडेंसर यूज हुआ है, यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ से रिबॉयलर यूज हुआ है, यहाँ से रिसाइकल हो रहा है, यहाँ से डब्ल्यू वेस्ट मिल रहा है। इसके अंदर हमारी दो चीजें लगी हो सकती हैं, क्या मोस्टली जो यूज किया जाता है वो प्लेट से यूज किया जाता है, और कुछ जगह पे क्या क्यों यूज किया जाता है, कभी कभी पैकिंग यूज की जाती है। ठीक ना, पैकिंग यूज की जाती है। तो अपन से बोल सकते हैं सर, डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर हम प्लेट और पैकिंग दोनों यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे प्रोसेस की रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम वहां पर यूज करेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कितने टाइप के प्लेट्स यूज किया जाता है। ठीक, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लेट, कितने टाइप के प्लेट यूज किए जाते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में। तो वैसे तो कॉलम में प्लेट्स बहुत सारे यूज किए जाते हैं, बट जो मोस्टली मोस्टली यूज किया जाता है वो आप उनको नाम बताइएगा। फर्स्ट बोलिएगा सी प्लेट, सी प्लेट। नंबर 2 वॉल्व ट्रे, और नंबर 3 बोल सकते हैं बबल कैप ट्रे, बबल कैप ट्रे। ये जो हमारे हैं, ये तीन सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में डिस्टिलेशन कॉलम में यूज किए जाने वाले हमारे ट्रे होते हैं, सीप ट्रे, वॉल्व ट्रे, बट बबल कैप ट्रे। इनका थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सीप ट्रे मीन्स क्या है, एक प्लेट होगा उसके अंदर परफोरेटेड होंगे, मतलब होल्स होंगे, इसको बोलते हैं सीप ट्रे। वेपर से ऐसे बॉटम से आएगी, टॉप से निकल जाएगी, ठीक है ना, और लिक्विड बॉटम में आ जाएगा। इस तरह से सीप प्लेट्स होते हैं। दूसरा वॉल्व ट्रे, वॉल्व ट्रे में क्या होता है, इस टाइप से होल होता है, उसको ऊपर एक इस तरह से ढक्कन लगा होता है, जब हमारे वेपर्स आती है तो ये ढक्कन ओपन हो जाता है और वेपर ऐसे निकल जाती है, और जब वेपर्स नहीं होती है तो ये इसके साथ ऐसे बैठ जाता है, मीन्स कुछ जाने नहीं देता है, वो तो अपना वॉल ट्रे। बबल कैप ट्रे, बबल कैप ट्रे को स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ पर सटा होता है, हमारे राइजर के थ्रू वेपर्स आते हैं और ऐसे करके निकल जाते हैं। ठीक, इस टाइप से हमारा होता है। तो ये ऐसे आपसे वहां नहीं पूछा जाएगा, बट इंडस्ट्री में ले जा रहा तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप का यूज किया जा रहा है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर क्वेश्चन, प्लेट या पैकिंग का यूज क्या है, अगर नहीं लगाए तो क्या हमारा डिसएडवांटेज है। तो पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्लेट या पैकिंग का क्या यूज है और ना यूज करें तो क्या दिक्कत है। ठीक है, देखते हैं। देखो डिस्टिलेशन कॉलम में क्या है, ये हमारे डिस्टिलेशन कॉलम है, यहाँ से हमने फीड किया, ये हमारी प्लेट्स हैं। सिंपल सा चीज क्या है कि जब हम इसको हीट रिबॉयलर के थ्रू दे रहे हैं, तो अगर पैकिंग यूज ना करते तो आप सोचो क्या हो रहा है, लिक्विड इधर से आता डायरेक्ट नीचे गिर के इधर से चला जाता, ठीक यही होता ना, और जो वेपर्स आती है वो डायरेक्ट ऊपर चली जाती। तो प्लेट या हमारा पैकिंग का काम सिर्फ इतना ही है कि इन्हें बेटर कॉन्टेक्ट एरिया प्रोवाइड करते हैं, मीन रिएक्ट रिएक्ट करना या हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लेट जो है ना सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। जितना ज्यादा वो आपस में कॉन्टेक्ट करेंगे उतना ज्यादा मास ट्रांसफर उनके बीच होगा, जिससे हमारा लिक्विड कंपोनेंट का सेपरेशन होगा, मीन्स बेटर कॉन्टेक्ट एरिया प्रोवाइड करने के लिए पैकिंग या प्लेट्स का यूज किया जाता है, या बोल सकते हैं। ना यूज करते तो क्या होता, लिक्विड हमने डाला इधर से, वेपर से डायरेक्ट ऊपर चली गई, लिक्विड डायरेक्ट नीचे आ गई, कॉन्टेक्ट हुआ ही नहीं तो सेपरेशन कुछ होगा नहीं, इसलिए कोई फायदा नहीं है, इसलिए प्लेट एंड पैकिंग का यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने डिस्टिलेशन कॉलम में कितने सेक्शन होते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो आपने बुक्स में भी पढ़े होंगे, सेक्शन कितने होते हैं। तो इसी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये मान लीजिए हमने यहाँ से फीड किया, यहाँ एक प्लेट है, ठीक, हमने फीड किया, तो फीड प्लेट के ऊपर का जितना सेक्शन है इतना, मतलब फीड प्लेट को काउंट नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन, रेक्टिफाइंग सेक्शन।
और इसके नीचे का जो सेक्शन है उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग सेक्शन, स्ट्रिपिंग सेक्शन। एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो फीड प्लेट होता है वो स्ट्रिपिंग सेक्शन के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें हमारे पास दो सेक्शन है, एक रेक्टिफाइंग सेक्शन, एक स्ट्रिपिंग सेक्शन। पूछा जाता है जो फीड प्लेट है वो किस सेक्शन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि सर वो हमारा स्ट्रिपिंग सेक्शन के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 की बात। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, फीड प्लेट किस सेक्शन में काउंट किया जाता है। मैंने ये क्वेश्चन का जवाब इसी में दे दिया है, जो फीड प्लेट होते हैं हमारे वो हमारे स्टिपिंग सेक्शन के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया है 8 नंबर का। ठीक, नंबर 9 की बात करते हैं, कंडेंसर क्यों यूज किया जाता है और कितने टाइप का होता है। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर कितना था अपना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं कि कंडेंसर क्यों यूज किया जाता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखते हैं, ये डिस्टिलेशन कॉलम है, ये टॉप में कंडेंसर यूज किया गया है, यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ से कुछ रिफ्लेक्स हो रहा है, यानी बॉटम में क्या हमारा रिबॉयलर है, इससे रिसाइकल हो रहा है और हमारा डब्ल्यू मिल रहा है। तो बात चल रही है इसके बारे में कि कंडेंसर हम यूज क्यों करते हैं। तो सिंपल सा चीज क्या है कि हमारे कॉलम से जो वेपर्स निकलती है, मोर वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल मीन्स क्या होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है या जिसकी वेपर्स जल्दी जनरेट होती हैं। सिंपल समझ से एक ही चीज़ है कि मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट या तो कम हो उसे बोल सकते हैं हम मोर वोलेटाइल, या जो जल्दी वेपराइज होती हूँ। तो जल्दी वेपराइज कौन होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो जो मोर वोलेटाइल की वेपर्स जाती हैं वो हमारे वेपर्स फॉर्म में होते हैं, तो उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ कंडेंसर यूज किया जाता है। ये कंडेंसर उस वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इतना काम होता है हमारे कंडेंसर का। अब बात करें कितने टाइप के कंडेंसर यूज होते हैं, तो दो टाइप के कंडेंसर यूज होते हैं, एक हमारा टोटल कंडेंसर, एक पार्शियल कंडेंसर, पार्शियल कंडेंसर। अब बात आती है सर टोटल कब यूज करते हैं, पार्शियल कब यूज करते हैं। तो टोटल कंडेंसर तब हम यूज करते हैं जब हमें जो वेपर्स जनरेट होती है उसको 100% हमें लिक्विड चाहिए, तब हम टोटल कंडेंसर यूज करते हैं। जब हमें इस वेपर्स को 100% लिक्विड नहीं चाहिए होता है, कुछ वेपर चाहिए होता है कुछ लिक्विड चाहिए होता है, वहां पर हम पार्शियल कंडेंसर का यूज करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 की बातें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो 10 नंबर क्वेश्चन रहा है ये आपके सामने, 10 नंबर में क्या पूछना चाह रहा है, रिबॉयलर क्यों यूज करते हैं और रिबॉयलर कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्या पूछना चाह रहा है, रिबॉयलर के बारे में पूछना चाह रहा है कि रिबॉयलर क्या होता है और इसमें क्यों यूज करते हैं और कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया ये कॉलम था अपना, बॉटम में रिबॉयलर लगा हुआ था अपना, यहाँ से डब्ल्यू मिल रहा था, यहाँ से कुछ रिसाइकिल कर रहा था। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं रिबॉयलर क्यों यूज किया जाता है। तो रिबॉयलर क्यों यूज करता है, जो हमारे बॉटम में जो लिक्विड आ रहा है उसको हीट करके उसकी वेपर जनरेट कर फिर से टावर में फीड करने के लिए रिबॉयलर यूज किया जाता है। ये एक टाइप का बॉयलर ही होता है, अब नाम से ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, बॉयलर ही होता है, जिसका काम होता है जो हमारा मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल मिक्सचर साथ में होते हैं उसको हम वेपर में कन्वर्ट करके कॉलम में फिर से फीड करते हैं। इसका एक काम और होता है, इस टावर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम रिबॉयलर का यूज करते हैं। मतलब रिबॉयलर के दो यूज हो गए, इससे टावर का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है और दूसरा हमारा रिसाइकल भी होता रहता है, ये दोनों काम होते हैं रिबॉयलर के। अब रिबॉयलर दो टाइप के यूज किए जाते हैं, नंबर एक कैटल टाइप रिबॉयलर, दूसरा थर्मोसाइफन टाइप। अब बात आती है कैटल टाइप में क्या होता है, थर्मोसाइफन में क्या होता है। तो कैटल टाइप रिबॉयलर में क्या होता है, हमारे रिबॉयलर से यहाँ पंप लगे होते हैं, मतलब इसको पंपिंग के लिए एक पंप की यूज होती है। बट लेकिन थर्मोसाइफन में फिगर बना के मैं बताता हूँ, इस टाइप से होता है कि हमारा इधर से नीचे से ये बॉटम वाला लिक्विड आता है, इधर से आएगा और यहाँ पर हम स्टीम प्रोवाइड करेंगे, स्टीम देंगे और कंडेंसेट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है यहाँ पर ट्यूब्स लगी होती है, एक टाइप से हीट एक्सचेंजर ही है, यहाँ से हमारा वेपर्स निकलती है। तो यहाँ एक पंप हम प्रोवाइड करते हैं इसको पंपिंग करने के लिए, यही एक अंतर होता है। बट थर्मोसाइफन में क्या होता है, थर्मोसाइफन में पंपिंग के लिए किसी पंप की जरूरत नहीं होती है, ये अपना क्या होता है डेंसिटी डिफरेंस के बेस में यूज करते हैं इसको हम, मतलब इसमें पंपिंग के लिए पंप की जरूरत ही और थर्मोसाइफन में पंपिंग की जरूरत नहीं होती, ये डेंसिटी डिफरेंस पे काम करता है। तो ये दोनों काम हो गए हमारे इसके बारे में।
कि रिबॉलर क्या होता है और कितने टाइप का यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम में रिफ्लक्स क्यों यूज करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपसे जरूर पूछा जाएगा रिफ्लक्स के बारे में, डिस्टिलेशन कॉलम में रिफ्लक्स क्यों यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो टॉप से हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर से जो लिक्विड आता है इसका कुछ पोर्शन तो हमारा प्रोडक्ट होता है और कुछ पोर्शन हम कॉलम में फिर से रिसाइकिल कर देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं, ठीक। यही जो रिसाइकिल करते हैं इसको बोलते हैं रिफ्लक्स, ठीक। रिफ्लक्स का काम क्या होता है कि जो हमारी ये वेपर्स यहाँ से निकल के आ रही हैं जो प्रोडक्ट में, इसकी प्योरिटी को और इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर रिफ्लक्स करते हैं, मतलब प्योरिटी प्योरिटी इंक्रीज करने के लिए, प्योरिटी इंक्रीज करने के लिए हम रिफ्लक्स का यूज करते हैं। अब बात आती है कि कितने टाइप्स के रिफ्लक्स होते हैं, क्वेश्चन जरूर बन सकता है, इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो मेनी टाइप मोस्टली जो होता है वो 3 टाइप से होते हैं। पहले की बात कर लें टोटल रिफ्लक्स, टोटल रिफ्लक्स। नंबर 2 बात करते हैं मिनिमम रिफ्लक्स, और 3rd की जो बात कर लें वो होता है हमारा ऑप्टिमम रिफ्लक्स। ये 3 टाइप के हमारे रिफ्लक्स होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। टोटल रिफ्लक्स के केस में क्या होता है कि जितना हमारा पर एक कंडेंसर से लिक्विड आ रहा है सारा का सारा टावर में हमने फीड कर दिया, मतलब प्रोडक्ट हमने कुछ भी नहीं पाया, उस समय होता है हमारा टोटल रिफ्लक्स। मिनिमम रिफ्लक्स में क्या होता है कि मान लो यहाँ से 100 लीटर हमारा लिक्विड निकल रहा है तो इसमें से मुश्किल से 5 लीटर हमने इसमें रिफ्लक्स किया, 95 लीटर हमने प्रोडक्ट ले लिया, तो ऐसे बोलते हैं मिनिमम रिफ्लक्स। ऑप्टिमम रिफ्लक्स मतलब ऑप्टिमम रिफ्लक्स ऐसा रखेंगे जिससे हमारी प्योरिटी जितना हमें चाहिए होता है उतना हमें मिल जाए, वो ऑप्टिमम में मतलब मिनिमम इतना दें हम कि हमारा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हमें मिल सके, उसे बोलते हैं ऑप्टिमम रिफ्लक्स। ठीक हो गया हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, डिस्टिलेशन कॉलम में नंबर ऑफ प्लेट फाइंड कैसे करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन कि जब डिस्टिलेशन है उसमें प्लेट जो होती है वो कितनी लगाया जाए कि प्लेट की हमें जो हमारा सेपरेशन है वो डिजायर मिल सके, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड मोस्टली हैं, एक मैकाबे थायल, दूसरा जो हमारा होता है वो पंचन सावृत्ति, पंचम सावृत्त। ये 2 मेथड हमारे पास है नंबर ऑफ प्लेट फाइंड करने के। जो सबसे बेटर मेथड होता है वो पंचन सावृत्ति मेथड होता है, क्योंकि मैकाबे थायल के जो मेथड दिया गया उसमें कुछ लिमिटेशन है, इसलिए ऐसा नहीं है कि इसको नहीं यूज करते हैं, बट जब हमें छोटा डिस्टिलेशन कॉलम मतलब नंबर ऑफ प्लेट 20-25 ऐसे कुछ यूज करना होता है तो मैकाबे थायल यूज कर सकते हैं, बट एक्यूरेसी और नंबर ऑफ प्लेट्स ज़्यादा लगाने हैं तो पंचम सावृत्त हम यूज करते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ प्लेट फाइंड करने के लिए। मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है कि नंबर ऑफ प्लेट कैसे फाइंड करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे उसे देख सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, डिस्टिलेशन में कहाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर मैक्सिमम होता है और कहाँ सबसे लोएस्ट होता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन, टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है, ये आपको जानना भी जरूरी है कि डिस्टिलेशन कॉलम में कौन सा ऐसा जगह होता है जहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम और प्रेशर मैक्सिमम होता है। तो आप सपोज कीजिए ऊपर कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ से पी मिल रहा है, नीचे रिबॉयलर लगा हुआ है, यहाँ से डब्लू, और ये रिसाइकल हो रहा है। ये मैंने काम पहले बताया, रिबॉयलर का काम क्या होता है कि जो हमारा मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल है उनको फिर से टावर में रिसाइकल करना और उसे टेम्परेचर मेंटेन करना। तो आप जान रहे हैं जब हम टेम्परेचर एक ही सोर्स के थ्रू दे रहे हैं तो बॉटम एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिस्टिलेशन कॉलम का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, टेम्परेचर मैक्सिमम है। अब यहाँ गैसियस फेज में भी होता है, लिक्विड फेज में। अब जब टेम्परेचर मैक्सिमम है तो यहाँ पर प्रेशर भी ऑटोमेटिक मैक्सिमम होगा, ठीक। और एक रीजन और क्या है प्रेशर मैक्सिमम होने का, हमें जो टॉप से निकलना है वो हमारी गैस को निकलना है, तो गैस कहाँ से कहाँ जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसलिए इस तरह से इधर हमारी गैस फ्लो हो जाती है। तो हमारे 2 रीजन है इसके, बॉटम में हमारा जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम होता है किसके थ्रू, रिबॉयलर के थ्रू, और प्रेशर उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है और उसके हिसाब से हमारा प्रेशर जो होता है जो हमारे वेपर्स होती हैं वो टॉप में मूव करती हैं। तो ये 2 रीजन हमारे होते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंटेन करने का, ठीक। कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाता है कि टेम्परेचर सिर्फ क्या रिबॉयलर के थ्रू ही मेंटेन करते हैं, नहीं, तो सिर्फ रिबॉयलर के थ्रू ही नहीं, रिबॉयलर से भी करते हैं और रिफ्लक्स के थ्रू भी हम टेम्परेचर अपना मेंटेन करते हैं, ठीक। 2 तरीके होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इससे रीच कर देते हैं पहले।
अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने साथियों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत जल्दी जल्दी पेपर्स हो रहे हैं तो उसके स्किल टेस्ट भी जल्दी ही आने वाले हैं, तो इसलिए अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन को कैसे पहचानेंगे और उसमें वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैंने क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं, तो मैंने ये तो बेसिकली डिस्टिलेशन का मैंने पूछ लिया, अब अलग अलग जो टाइप के डिस्टिलेशन है उसको हम थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा हो और उसे इंडस्ट्रियल से रिलेट ना कर पाए, ये एकदम बेसिक चीजें हैं जो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके बारे में तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, और आपने अगर विजिट किया होगा इंडस्ट्री के एक बार भी तो आप जरूर समझ सकते हैं। बात आती है वैक्यूम डिस्टिलेशन की। वैक्यूम डिस्टिलेशन, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, वैक्यूम डिस्टिलेशन को आप कैसे पहचानोगे। तो सिंपल सी चीज है, एक टावर होगा ठीक, टावर के टॉप में आप देखेंगे तो आपको एक इजेक्टर दिखेगा, एक वेंचुरी टाइप का, इस टाइप से आपको दिखेगा, इस टाइप का आपको दिखेगा कुछ सिस्टम ठीक। ये क्या करता है, इसको बोलते हैं इजेक्टर। इजेक्टर का काम क्या होता है, यही एक ऐसा चीज है जिसको आप जैसे ही आप कॉलम को देखेंगे तुरंत पहचान सकते हैं कि ये वैक्यूम डिस्टिलेशन है। अगर टॉप में आपको इजेक्टर देखने को मिलता है उसकी शेप बिल्कुल वेंचुरी की तरह ही होगी तो आप बोल सकते हैं ये हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन है ठीक। अब बात आती है कि इसमें वैक्यूम क्रिएट कैसे करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं मैंने जैसे पहले ही बता दी, इजेक्टर के थ्रू, इजेक्टर के थ्रू, इसमें इसको बोलते हैं स्टीम जेट इजेक्टर, स्टीम जेट इजेक्टर। बहुत जगह हम वाटर जेट इजेक्टर भी यूज करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, इंडस्ट्रियल में स्टीम ज्यादा जनरेट होती है इसलिए स्टीम के थ्रू ही हम कर देते हैं, वाटर को लॉस नहीं करते हैं ठीक। तो क्या करते हैं, स्टीम के थ्रू, स्टीम जेट इजेक्टर के थ्रू हम यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, जितने टर्म मैं यूज कर रहा हूँ और जो मैं पढ़ाया हूँ मैं सारी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिस प्लेट से प्रोडक्ट निकलता है उसे क्या बोलते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन। ये हमारे ढेर सारे प्लेट्स यूज होते हैं डिस्टिलेशन कॉलम ठीक है ना। अब मान लो हमारा ए प्लस बी प्लस सी तीन कंपोनेंट का मिक्सचर था, हमने फीड किया था, और ए हमारा टॉप से समझ लीजिए निकल रहा है, बी हमारा बॉटम से निकल रहा, सी कहीं मिडिल से यहाँ से निकल रहा, इस प्लेट से निकल रहा, तो पूछना चाह रहा है इस प्लेट को किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं चिमनी ट्रे, चिमनी ट्रे, चिमनी ट्रे। ये जब आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज या फंसाने की कोशिश करेगा तब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जिस प्लेट से हम प्रोडक्ट निकालते हैं उस ट्रे को क्या बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो उसे चिमनी ट्रे। चिमनी ट्रे बहुत बड़ी बड़ी होती है, हाइट से आप अगर आप देखेंगे, मैं अभी नेट से आपको दिखा भी सकता हूँ इधर, कि दिखाऊंगा कि चिमनी ट्रे कैसे दिखती है। जितनी चीजें मैंने बोली हैं सारा अगर जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ ठीक है ना, तो उसको चिमनी ट्रे बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन क्यों यूज करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन क्यों यूज करते हैं, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, कॉन्सेप्ट आप वहां से देख लीजिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमारे मान लो दो कंपोनेंट है ए और बी, इनके बॉइलिंग पॉइंट लगभग लगभग एकदम पास है, 90, 89, 88। क्या होता है इसमें, अगर आप सिंपल बैच डिस्टिलेशन में इसको करोगे और इसका टेम्परेचर लगभग आपने 90 डिग्री कर दिया, तो ए और बी दोनों साथ में वेपराइज होंगे ना, तो फिर जाके जहाँ कलेक्ट करेंगे ए एंड बी मिल गया हमें साथ में, तो हमारा सेपरेशन ही नहीं हुआ ना, तो सेपरेट तो हमें करना होता है। तो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, एक थर्ड कंपोनेंट कोई सी जिसे बोलते हैं इंट्रेनर, उसको इसमें डाल देते हैं, वो किसी एक कंपोनेंट के साथ लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप फॉर्मेशन कर लेती है, मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस कर देती है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉप में चला जाता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला बॉटम में आ जाता है, इससे हमारा कंपोनेंट सेपरेट हो जाता है। ये हो गया इसके बारे में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, मोस्टली प्लेट यूज करते हैं पैकिंग क्यों नहीं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा अपना उसके बारे में बात करते हैं कि प्लेट ही मैक्सिमम क्यों यूज करते हैं और हमारा क्या प्लेट पैकिंग क्यों नहीं यूज करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए क्या होता है, हमने प्लेट ऐसे यूज किया ठीक, प्लेट ऐसे यूज किया, वेपर्स हमारी टॉप से बॉटम, यहाँ हमारे बॉटम से वेपर्स आ रही है और टॉप से हमारा लिक्विड आ रहा है, लिक्विड एंड वेपर्स ये हमारी आ रही है।
इतना तो हमारा कांटेक्ट हुआ लिक्विड एंड वेपर से, बट इतना दूर जो स्पेस होता है उधर तो कोई लिक्विड एंड वेपर का कांटेक्ट नहीं होता, इधर भी ऐसा नहीं होता, लिक्विड एंड वेपर का कांटेक्ट नहीं होता, सिर्फ प्लेट्स पे ही हमारे कांटेक्ट हो रहे हैं। जबकि देखिए पैकिंग में क्या है, पैकिंग में क्या होता है, हमने वेपर से इधर से आ रहे हैं, हमारे टॉप से लिक्विड आ रहे हैं, इधर मतलब टॉप का मतलब जहाँ से हमने फीड किया उधर से लिक्विड आ रहे हैं, तो क्या होता है कि लिक्विड कभी कभी चैनलिंग, नाम मैंने आपको वीडियो में बताया चैनलिंग कैसे होती है, तो लिक्विड एक पार एक सिंगल पाथ पकड़ के आने लगते हैं जिससे वो वेपर से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, चैनलिंग में बोल दूं, चैनलिंग चैनलिंग प्रॉब्लम होती है जिससे लिक्विड हमारा जो वेपर्स होता है उसे प्रॉपर कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता है, जिससे मास ट्रांसफर नहीं होते हैं, इसलिए मोस्टली इसको अवॉइड किया जाता है और प्लेट्स को ही यूज किया जाता है, क्योंकि इतना दूर तो हमारा मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट जहां पर हो रहा है वहां सफिशियंट हो रहा है, इसलिए हम प्लेट का यूज करते हैं, पैकिंग का यूज डिस्टेंस फॉर्म में कम करते हैं, इसके भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसमें प्रेशर ड्रॉप कम होता है, बट चैनलिंग की प्रॉब्लम एक ऐसी है जिससे मास ट्रांसफर सही से नहीं हो पाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने, एक्यूमुलेटर का यूज क्या है डिस्प्लेशन कॉलम में, ये हमारा 90 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्यूमुलेटर का क्या यूज होता है हमारे डिस्प्लेशन कॉलम में। इस फिगर से मैं आपको नया फिगर मैं आपको बताता हूँ, ये अपना डिस्प्लेशन कॉलम था, यहाँ से हमारा जो आया, यहाँ पर हमने एक एक्यूमुलेटर यूज किया, एक्यूमुलेट सबसे पहले एक कंडेंसर यूज किया, देन एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर से निकलने के बाद प्रोडक्ट मिल जाता है और कुछ रिसाइकिल कर देते हैं रिफ्लक्स के रूप में, ठीक इतना आपको समझना बस। टॉप से जो वेपर्स निकली उसको ले जाते पहले कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद एक्यूमुलेटर, अब पूछा ये एक्यूमुलेटर का काम क्या है, तो इसका सिंपल सा काम है, ये एक स्टोरेज टैंक टाइप का होता है कि जो कंडेंसर से लिक्विड आ रहा है उसको हम इसमें स्टोर कर लेते हैं, और कितना अमाउंट में हमने रिफ्लक्स देना है, कितना प्रोडक्ट निकालना उसको वहां से करते हैं हम काम, कि 10 लीटर निकालना तो 10 लीटर हमने प्रोडक्ट ले लिया और 5 लीटर हमने रिफ्लक्स कर दिया, मीन्स सिंपल एक स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है हमारा एक्यूमुलेटर। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर पूरी वीडियो समझ में आ गई तो लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, अगला वीडियो आप जैसा बोलेंगे वॉल्व्स या कंट्रोल वॉल्व या एब्जॉर्बर उस पर मैं नया वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।